स्विट्जरलैंड में पीएचडी करने के लिए आपको मिल सकते हैं 4,500 US डॉलर हर महीने। Hey, this is Lost in Heaven, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पीएचडी कैसे ढूंढ सकते हैं स्विट्जरलैंड में और किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब क्योंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पीएचडी करने के लिए आपको मिलते हैं काफी अच्छी सैलरी, 4,500 US डॉलर हर महीने, इसके चक्कर में यहाँ पे कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। लेकिन हर एक पीएचडी स्विट्जरलैंड में पेड नहीं है। तो पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आप पीएचडी करने जा रहे हैं वो सबसे पहले तो पेड है या नहीं है, वो नॉर्मली लिखा रहता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्रोफेसर आपको बता देते हैं पहले से कि पीएचडी आपकी जो है वो पेड है, या फिर आपको खुद के पैसे डालने पड़ेंगे। ऑफकोर्स आपका जो रहना खाना पीना है आपको खुद से सपोर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर टू, अगर आप स्विट्जरलैंड की किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको प्रोफेसर जानते हैं, आपकी जो रिसर्च कम्युनिटी है वहाँ पे आपको जानती है, तो ये काफ़ी आसानी से आपको पीएचडी मिल सकती है क्योंकि ये काफ़ी कनेक्टेड और क्लोज कम्युनिटी मानी जाती है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर जो होते हैं वो अपने नेटवर्किंग से ही पीएचडी स्टूडेंट्स को ले लेते हैं। अब अगर आप स्विट्जरलैंड के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके नेटवर्क में क्या पता कोई हो जो कि किसी प्रोफेसर को जानता हो यहाँ स्विट्जरलैंड में, नहीं तो लिंक्डइन कैसे करके काफ़ी सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, बेसिकली प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहाँ पे आप ये कनेक्शन ढूंढ सकते हैं। और ऑफकोर्स डायरेक्टली आप प्रोफेसर के पास जाके पूछ सकते हैं कि क्या उन पर कोई ऐसी पीएचडी अवेलेबल है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। पॉइंट नंबर थ्री, अब किसी प्रोफेसर को या फिर डिपार्टमेंट को अपना कैंडिडेट नहीं मिलता वाया नेटवर्किंग, सो दे गो टू दिस जॉब वेबसाइट सच एज indeed.ch और LinkedIn, वेयर यू कैन यू नो डायरेक्टली अप्लाई टू द जॉब स्ट्रेट अवे। मेरी रिसर्च के दौरान मैंने ये देखा कि काफ़ी सारे प्रोफेसर जो हैं ETH या फिर ETH Zurich यूनिवर्सिटी, वो अपने PhD चूज करते हैं वाया डायरेक्ट एप्लीकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम इन जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कि इफ PhD इज पेड और नॉट पेड। और ऑफ कोर्स नेटवर्किंग और डायरेक्ट एप्लीकेशन का बेसिस काफ़ी स्ट्रांग होता है आपको वो पीएचडी हासिल करने के लिए। पॉइंट नंबर फोर, यू कैन जॉइन अ डॉक्टरल प्रोग्राम। अब काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे कि ETH Zurich या फिर EPFL लौजान होगी, इनके खुद के डॉक्टरल प्रोग्राम हैं जिनको आप बेसिकली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इट डज इज In case you get accepted, you know, you can choose your specific interest related topics or research field, and then in case there is any other professor who is trying to find some candidate for a specific PhD, he can try and reach out to you straight away via these doctoral programs. Basically, via this, you are already part of this list of candidates, you know, and then professors can choose specific one, and it's way more easier for them and for you to relate to a specific subject of your choosing. तो ये बेसिकली चार पॉइंट हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं PhD इन स्विट्जरलैंड। ऑफकोर्स फिर बात आती है सैलरी की। अब जैसे मैंने कहा, सारी की सारी PhD पेड नहीं होती, लेकिन जो पेड होती है उनको मिनिमम मिलते हैं अराउंड 4,500 US डॉलर। बट लेट्स गो बैक टू द फ्रैंक, यू गेट पेड अराउंड 4,000 Swiss francs, और ये सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एज अ सिंगल पर्सन यहाँ पे हैं तो आपको 4,000 Swiss francs में आराम से आपका टाइम निकल जाएगा। यू कैन टेक केयर ऑफ योर बेसिक नीड्स एंड यू कैन पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑन द साइड एज अ सेविंग्स फॉर द टाइम बीइंग। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स हाउ लॉन्ग योर PhD इज गोना लास्ट। और ऑफ कोर्स एज आई सेड, यू नो, एज अ सिंगल पर्सन आपके लिए काफ़ी पैसे हैं, थोड़ा पैसा खुद का बचाने के लिए, थोड़ा अपने बेसिक नीड्स में जैसे अपार्टमेंट, खाना पीना आराम से निकल जाता है। नाउ It is very helpful for the people who are married. अगर आप मैरिड हैं तो बेसिकली आप अपने स्पाउस को फैमिली रीयूनिफिकेशन के तहत यहाँ पे बुला सकते हैं एंड दे आर अलाउड टू वर्क। However, this thing you have to make sure that it only works with the spouses. So, अगर आप मैरिड नहीं है, fiance या फिर something else, it does not work. So, अगर आप मैरिड हैं तो it makes it way more easier. Now, point number six, residency. As a PhD student, basically आप एक student हैं और state की तरफ से तो आप टेम्प्ररी स्टूडेंट है जब तक कि आपकी PhD ख़त्म नहीं होती। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेसिकली आप एज अ स्टूडेंट काउंट करते हैं। और एट द एंड ऑफ आपकी जब PhD ख़त्म हो जाती है तो आपको मिलते हैं 6 महीने, बेसिकली जैसे स्टूडेंट को होता है जॉब ढूंढने के लिए। अगर आपको इस 6 महीने में जॉब मिल गई तो आपको परमिट आपका एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं मिली तो आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली या फिर बेसिकली आपका स्पाउस आपके साथ है इन टाइम पीरियड में, क्योंकि PhD कैन टेक अ टाइम, आई थिंक 2-3 मे बी मोर देन दैट ईयर, 3
या 4 years or something. तो अगर आपके स्पाउस आपके साथ हैं और उनकी जॉब चल रही है, ये ध्यान में रखिएगा कि वो आप पे डिपेंडेंट है. तो जैसे ही आपका वीज़ा ख़त्म होता है या फिर परमिट ख़त्म होता है PhD के बाद, तो वो भी यहाँ पे नहीं रह सकते और उनको भी वापस जाना रहेगा. पॉइंट नंबर 7. सो दिस इज बेसिकली द एंटायर जनरल आउटकम ऑफ द PhD. ऑफकोर्स द कॉम्पिटिशन इज क्वाइट स्टिफ, बट स्टिल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर दिस. यू नो, मैंने काफ़ी देखा इंडियन स्टूडेंट्स जो कि PhD कर रहे हैं यहाँ पे अपने फैमिली के साथ. जॉब मिलना ना मिलना डिपेंड करता है आप किस फील्ड में कर रहे हैं. ऑफकोर्स यू नो एज अ PhD और ऑलरेडी वेरी वेल एजुकेटेड, और आपकी फिर फील्ड डिपेंड करती है. जैसे कि अगर आप फार्मा में हैं तो दैट इज़ ऑसम. ऑफकोर्स यू इट्स मोर लाइकलीहुड ऑफ यू गेटिंग अ जॉब इज प्रीटी हाई. लेकिन अगर लेकिन ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स आपको खुद से देखना पड़ेगा कि किस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है और किस फील्ड में आसानी से जॉब मिल जाएगी. फॉर दैट यू कैन गो टू इंडीड पुंग सेहा एंड ट्राई टू सी वॉट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स दे आर आस्किंग फॉर इट. बट मेरे ख्याल से अगर आप एक सीरियसली रिसर्चर हैं और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में रियली इंटरेस्टेड है, तो स्विट्जरलैंड आपको एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम और काफ़ी अच्छा एनवायरमेंट देता है कि आपको एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी यू डू नॉट हैव टू वरी, यू गेट पेड प्रीटी गुड एंड यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर रिसर्च. Hopefully you liked this video. If you did, give it a thumbs up, share it, subscribe for more such content, and I will see you in my next video. Till then, hope you have a great day. See you.